हम लोग जैसलमेर में पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं सैमसंग यूनिट से जैसलमेर सिटी तक, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जल्दी जल्दी निकल रहे हैं वहाँ तक। और ये जो पूरा एक्सपीरियंस था हम लोगों ने किया है ट्रिप टू जैसलमेर के साथ। हाय क्यूटी, फाइनली अभी हम लोग जैसलमेर में पहुंच चुके हैं, जगह के बारे में जानते हैं और हमारे साथ एक गाइड भी है, उनसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। से हाय टू माय व्लॉग। हाय, तो आपका नाम बता दीजिए। हरीश गोस्वामी। तो आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल चल रहे हैं गोल्डन फोर्ट सोनार किला। ये एशिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राइट नाउ 4000 पीपल इनसाइड द फोर्ट। यहाँ पे 4000 लोग रह रहे हैं इनसाइड फोर्ट। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जितना फोर्ट एक्सप्लोर किया तो किसी में भी कोई रेसिडेंस नहीं था, सब लोग मतलब सब वो था। लेकिन ये फर्स्ट एक किला हम लोग अभी विजिट कर रहे हैं जिसमें 4000 लोग अभी रह रहे हैं, अपना फैमिली से साथ पूरा रेसिडेंट कर रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन। सो लेट्स गो गाइस, एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। इस मॉन्यूमेंट पर अपन है, इसको कहते हैं गोल्डन फोर्ट सोनार किला और सिटी को कहा जाता है गोल्डन सिटी स्वर्ण नगरी। 1972 से पहले इस फोर्ट को कहते थे त्रिकुटगढ़। एंट्री यहाँ से होगा। सोने से भी ज्यादा महंगा पानी हुआ करता था, इसलिए जो भी पुराना कंस्ट्रक्शन है वो पूरा ड्राई कंस्ट्रक्शन है, इंटरलॉकिंग है, कहीं पर भी चूना सीमेंट का यूज नहीं होता। बेरिसल बुर्ज, जब राजा महाराजाओं के टाइम पे किसी को मृत्युदंड दिया जाता था तो ये जगह को यूज किया जाता था, जो 50 फीट गहरा है जिसमें नोकीले पत्थर है और नमक डाला हुआ है। फिर एक बार इतने तल पर बैन कर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा खाना खाने के लिए पूरा जर्नी हो गया हम लोगों का, तो कुछ खाया नहीं था और उसके बाद हम लोग जाएंगे डेजर्ट में और वहाँ पे मजे करेंगे। वहाँ पे डेजर्ट कैमल डेजर्ट सफारी करेंगे, कैमल राइड करेंगे और रात को वहाँ पे स्टे करेंगे। सो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम लोग सैंड ड्यून्स में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आज रात का स्टे यहाँ पे ही होगा और जो भी जैसलमेर में प्लान है फिलहाल के लिए तो यही है और आप लोग अच्छी तरह दिखाते हैं इस जगह को। सो फिलहाल के लिए लेट्स गो, देखते हैं कि आप लोग कहाँ पे रहने वाले। लेकिन उससे पहले हमारा बैग और सामान निकाल लेते हैं। अभी सबसे बात कीजिए आप। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। क्या आपका? हमारा जोर घणो रोयो यार, बावड़ो देश है और ऐसे बोल ऐसे कुछ कर यार, ये मुदर बिगाड़ी है बहुत सारे लाख रुपए रोए के। हां जी बॉस, गाड़ी आ रही है। ये अपने माया आप संभालो। तो गाइस हम लोगों ने डिसाइड किया, आप लोगों की वजह से ही मैंने डिसाइड किया कि ये कॉटेज में रहेंगे। लेकिन ये वाला कॉटेज मुझे ज़रा सुंदर लग रहा है, पता नहीं ये खाली होगा या नहीं। ये खाली है क्या? एक बार कंफर्म कर लीजिए। आज हम लोग रात को इसी कॉटेज में रहने वाले हैं। कैमराज ले लिया, ड्रोन्स ले लिया और अभी हम लोग जाने वाले हैं सैंड ड्यून्स में, जो यहाँ से भैया कितना दूर है? 13 किलोमीटर दूर है। तो जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि सनसेट भी होने वाला है। लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग सैंड ड्यून्स की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी एक घंटे में सनसेट होने वाला है। सो होपफुली वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। सो पहुँच के वहाँ पे जितना भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जितना भी एडवेंचर है हम लोग करेंगे। सो जल्दी से जल्दी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है गाइस।
fall again. मजा आया, बख्शीश करो जरूर। गाइस फाइनली अभी बाहर में बहुत सारा कार्यक्रम का व्यवस्था किया गया है, तो हम लोग वहां पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा थकावट को दूर करने के लिए थोड़ा रेस्ट करेंगे, एक छोटा सा नैप लेंगे 10 मिनट का, फिर जाते हैं। हेलो, चेक चेक माइक, 1 2 3। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप कहाँ पे थे रात को? रात पे यहीं थे। आपको दिखा नहीं। तो गाइस यहाँ पे कुछ खाने का सामान ले लेते हैं, सुबह से ऐसे हम लोगों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिया है तो पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेजर्ट के लिए जाएंगे। ये आपका है क्या? हाँ। क्या नाम है इनका? लाल। हाँ, पोपट लाल। रिएक्ट क्यों नहीं करता है पोपट लाल? है पोपट लाल, हाय क्यूटी। अभी हम लोग पोपट लाल का सवारी लेने वाले हैं। हेलो पोपट लाल, तो ऐसे यहाँ पे ये हॉन्टेड विलेज है, और यहाँ पे 250 साल पहले यहाँ पे एक गांव बसता था। तो हमारे साथ जो गाइड थे उन्होंने बोला है कि एक हॉन्टेड विलेज है जो 300 साल से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। तो बहुत सारे लोकल्स लोग बहुत सारे कहानियाँ बोलते हैं कि यहाँ पे भूत है, अभी भी भूत है, अभी भी भूत मिलेगा, रात को भी भूत मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे पता चला है यहाँ पे बहुत सारा थ्योरीज है इस जगह के बारे में। ये स्टोरी जो है ना ऐसा है कि 18th century में यहाँ पे कुछ ब्राह्मीन्स लोग रहने के लिए आए थे, और उस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ का जो लोकल रूलर था उन्होंने यहाँ पे रहने के लिए परमिशन उन लोगों को नहीं दिया। तो उन लोग जब ये गांव छोड़ के जाना पड़ा तो उन लोगों ने इस गांव के ऊपर, उन जगह के ऊपर मतलब एक शार्प दे दिया कि यहाँ पे कभी भी पॉपुलेशन, कभी भी लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। तो शायद उसी वजह से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है, और बहुत लोग बोल भी रहे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आके रिपॉपुलेट करने का ट्राई किया था इस विलेज में, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होता है रात को, ऐसा परेशान देते हैं लोगों को, कभी भी कोई रिपॉपुलेट नहीं कर पाए इस जगह को। दुनिया में अगर अच्छे चीज़ है तो बुरे चीज़ भी होंगे, तो इतना कुछ हम लोग डीप नहीं जाके इसके इकट्ठा नहीं करते। हम लोग आए हैं एंजॉय करते हैं, हम लोग तो भूत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आए हैं फोटो वोटो खींचेंगे, भूत मिला तो दो सेल्फी लेंगे। True man on free, I wake up a new episode. I pop out cleaners, keep me up a level though. She talk to me like I'm not me, I get it though. Yeah, I'm so eclectic, I'm into the credits. Roll talk down to me, they might have this in medical. I'm out the league, I'm OD, they pathetic though. Look how I move, I'm protected. Saudi souls wounded my presence. The world going through it outside, they unruly, but I keep it cool, they can't press me. I keep it pure with intention. They see what I'm on, they don't vex them. I might slide through with that top down. I keep it tuned with a high power. Put it on me, I'm blessed. No stress, keep no evil around me, can't ground me. I built it since when I had this. No hex on God, can't pop. Look at how far we progress. Whatever we doing, we keeping it fluid. I don't see a threat. By that paper, by that paper, by that paper, by that paper. Hop on
a jet, had to switch on the coast. One of a kind, I've been playing that role. They pay me to play me, I needed it for. It's real if I said I meant what I spoke. I'm legend, it's written, I shake up the city. Spin black till I'm dizzy, won't ever go broke. So guys, finally, हम लोग अपने कॉटेज से निकल गए हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं सैमसन ड्यून्स से जैसलमेर सिटी तक, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जल्दी जल्दी निकलना है वहाँ तक। और ये जो पूरा एक्सपीरियंस था हम लोगों ने किया है ट्रिप टू जैसलमेर के साथ, उन लोगों के साथ ही बुकिंग करके हम लोगों ने किया है, इसीलिए सारा चीज़ स्मूथली हुआ है और टाइम पे हुआ है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हमको हम हर चीज़ सेटल चाहिए था। ये यहाँ पे बुक था जीप सफारी टाइम टू टाइम, तो सब कुछ अच्छे प्राइस में हम लोग को मिला था, तो इसलिए हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं जैसलमेर सिटी के लिए। जल्दी से जल्दी हमारा गाड़ी रेडी है, बस बैग रखना है और सारे दोस्तों के साथ निकल जाना है जैसलमेर सिटी, और वहाँ पे थोड़ा बहुत साइट सीइंग करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप लोग भी प्लान कीजिए जैसलमेर, बहुत ही सुंदर जगह है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को वीडियो में पता ही चलेगा। तो अगर आप लोग फ्यूचर में आते प्लीज़ एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और ये राजस्थान का ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्द, लव यू, बाय बाय, बाय बाय।